हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं ईएससी 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी मैं दो लेक्चर डाल चुका हूँ। यदि आपको देखना है सॉल्यूशन तो उनको पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन लगाता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली इन द लाइन विद द सन इज सन रेज इज कॉल्ड। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड एंगल, अवर एंगल, एजीमुथल एंगल और जेनिथ एंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपकी मेरिडियन लाइन होती है उससे क्या हम जनरली क्या करते हैं कि हमारा इंडिया का टाइम 5:30 प्लस चलता है, तो उससे किसकी हम मेज़र करते हैं, टाइम का मेज़र करते हैं, तो उसको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हवर एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, इन विच टाइप ऑफ द कलेक्टर इज सोलर रेडिएशन फोकस्ड इन टू एब्जॉर्बर फ्रॉम द टॉप रेदर देन द बॉटम। तो इसमें दिया हुआ है फ्रेशनल रेंज, पैराबोलोइडल, कंसंट्रेटिंग और कंपाउंड पैराबोलिक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेशनल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज 150 मीटर वाइड एंड 180 मीटर सेंटीमीटर हाइट इज ओरिएंटेड सच दैट द परपेंडिकुलर टू सन रेज इट्स एक्टिव एरिया इज 90% ऑफ द पैनल साइज If it is in the a location that receives solar insulation of 1000 watt per meter square peak, the power delivered to the area of the collector will be. तो ये कितनी पावर डिलीवर्ड करेगा? सबसे पहले तो इसका जो विड्थ दी हुई है वो दी हुई है 150 और हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में इसमें दिया हुआ है कि जो पावर दी हुई है उसकी, जो सोलर इंसुलेशन ये रिसीव करता है वो कितनी रिसीव करता है, 1000, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, तो इसकी पीक पावर निकालनी है कि इसकी पीक पावर कितनी होगी। ठीक है, देखिए 1000 वाट रिसीव करता है लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.9। ठीक है, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 1.150 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा 2.43 किलोवाट। ठीक है, जो कि ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्फेस हैविंग हाई एब्जॉर्प्शन टू शॉर्ट वेव रेडिएशन लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर एंड आर लो एमिटेड ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिटर, सिलेक्टिव, एब्जॉर्बर या फिर ब्लैंक। तो देखिए इसमें जो रेडिएशन है ना उसकी रेंज दी हुई है, यानी कि इस पोर्शन को हमको केवल रिसीव करना है, माना कि इतना आ रहा है हमारे पास, हमको केवल इस पोर्शन को रिसीव करना है, यानी कि इसको कहेंगे क्या, सिलेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सोलर टावर पावर सिस्टम ईच मिरर इज माउंटेड इन सच अ सिस्टम। तो उसको हम कैसे माउंट करते हैं, रीजनरेटर, लीनियर फ्रेंसनल, डिस हेलिस्टोट, हेलियोस्टेट। तो किस फॉर्मेट में हम उसको अरेंज करते हैं, तो जो सोलर टावर होता है ना, सोलर टावर जनरली होता क्या है, माना कि मैंने बहुत सारे आपके क्या लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए और माना कि मैं इस पॉइंट पर फोकस करना चाहता हूँ, यानी कि बहुत सारे लगा दिए और इस पॉइंट पर फोकस करना चाहता हूँ, तो उसी से रिलेटेड पूछता है, तो हम किसकी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलियोस्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द रेशियो ऑफ पीवी सेल एक्चुअल मैक्सिमम पावर आउटपुट टू इट्स थ्योरेटिकल पावर आउटपुट इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फैक्टर, फिल फैक्टर, क्वांटम एफिशिएंसी या फिर पीवी फैक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किस किस का रेशियो दिया हुआ है इसने, सेल एक्चुअल मैक्सिमम पावर टू द आउटपुट थ्योरेटिकल पावर। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या, फिल फैक्टर। देखिए अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिल फैक्टर का, फिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी मैक्स। ठीक है, और थ्योरेटिकल पावर हमारे पास कितनी होती है,
पी ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका फिल फैक्टर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिल फैक्टर, क्या पी मैक्स अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज, ये भी तो थ्योरेटिकल पावर हम इतनी देते हैं ना, बी आई, बी आई जनरली थ्योरेटिकल पावर इजिकल टू लिखते हैं बी आई, ठीक है ना, तो उसी से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू विंड टर्बाइन टी एस आर मीन्स, तो टी एस आर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टिप स्पीड रेशियो, ठीक है ना, यानी कि विंड टर्बाइन की जो टिप है उसकी स्पीड का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ विंड टर्बाइन 10 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 20 आरपीएम एंड 12.9 किलोमीटर पर आवर विंड द टी एस आर इज, यानी कि टिप स्पीड रेशियो आपको बताना है, तो इसमें आपको बताना है उसका टिप स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने तीन चीजें दी हुई है, जो विंड टर्बाइन है ना वो 10 मीटर लॉन्ग है, इसके अलावा आपको 20 आरपीएम दिए हुए हैं, एक दी हुई है स्पीड, ठीक है। चलिए, ये किस किस का रेशियो होता है, टिप स्पीड रेशियो इज इक्वल टू टिप स्पीड अपॉन विंड वेलोसिटी, इन दोनों का ये रेशियो होता है, ठीक है ना। अब टिप स्पीड कैसे निकालना है, बी निकालनी, बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर ओमेगा, तो आर यहां पर जो विंड दी हुई है ना, क्योंकि आपका विंड टर्बाइन कुछ इस तरह होता है, ठीक है ना, 10 मीटर है ना ये ब्लेड दी हुई है, ठीक है ना, तो इसमें ये 10 रेडियस के बराबर ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यदि आप इसको पूरा ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो ये 10 क्या बता रहा है, रेडियस, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 10 किसमें दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ओमेगा कैसे निकाल लेंगे हम, जैसा कि हम जानते हैं 2πn/60 इजिकल टू होता है ओमेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, 2 × π × कितना आरपीएम दिया हुआ है, 20/60, ठीक है ना, और विंड की वेलोसिटी किसमें दी हुई है, 12.9 किलोमीटर पर आवर, 12.9 इसको मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो फाइनली टिप स्पीड रेशियो आपके पास कितनी आ जाएगी, 5.84, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, टिप स्पीड रेशियो होता है टिप स्पीड टू विंड वेलोसिटी, और टिप स्पीड कैसे निकाल लेंगे, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम फॉर्मूला जानते हैं उससे, और विंड की वेलोसिटी उसने दी हुई है ऑलरेडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये है ना जो एक सब्जेक्ट है ना आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनक्लोजर और हाउसिंग फॉर अ जनरेटर गियर बॉक्स एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द विंड टर्बाइन दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द टावर, तो क्या होता है, टर्बाइन ब्लेड, नेसेले, टर्बाइन हेड या फिर गियर बॉक्स, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेस्ले, जो कि ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला दिया हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टाइड्स इन द ओशियन, तो जो ओशियन होता है उसमें टाइड प्रोड्यूस करने के लिए हम एक टाइड एनर्जी भी निकालते हैं ना, टाइड एनर्जी आपने सुना होगा नाम, तो जो टाइड प्रोड्यूस करने के लिए सन का फोर्स और जो मून का फोर्स रहता है वो किस रेशियो में रहता है, तो देखिए इसमें जो मून का फोर्स रहता है वो 70% रहता है। अब आप बोलेंगे सन का साइज तो काफ़ी बड़ा होता है लेकिन वो काफ़ी दूर है, ऐसा है एक रेशियो के अनुसार सन अर्थ से जितनी दूर है ना उनके बीच की दूरी 400 गुना है, लेकिन सॉरी हाँ ठीक है ना, 400 गुना छोटा है मून, तो क्या उसकी डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसीलिए जो मून का फोर्स रहेगा वो 70% रहेगा और सन का फोर्स रहेगा वो 30% रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, तो इस कौन कौन सा टर्म इससे रिलेटेड है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोजन फ्यूल ऑक्सीजन, प्योर वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाइट्रोजन गैस, तो इससे कौन कौन सा रिलेटेड है, तो इससे जो रिलेटेड है वो है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं, कौन सा, 2 and 4 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फंक्शन ऑफ फ्यूल सेल, तो जो फ्यूल सेल है उसका एसेंशियल फंक्शन क्या है,
द चार्जिंग और इलेक्ट्रोलाइजर फंक्शन इन विच अ केमिकल ए बी इज डिकम्पोज टू ए टू ए एंड बी में वो डिकम्पोज हो जाता है, या फिर द स्टोरेज फंक्शन इन विच ए एंड बी आर हेल्ड अपार्ट, दोनों स्टोरेज फंक्शन उन दोनों में अपार्ट रहते हैं, द चार्ज फंक्शन इन विच ए एंड बी आर चार्ज विथ अ साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, द स्टोरेज फंक्शन इन विच ए एंड बी आर हेल्ड अपार्ट, ठीक है, और दूसरा रहता है क्या करना रहता है, चार्ज भी करना रहता है और साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी करना रहता है। देखिए एक फ्यूल सेल होती है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम सप्लाई करते हैं, तो वो क्या फ्यूल सेल साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया हुआ है, द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोइड कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। इफ एन एरिया हैज सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एन इरेगुलर शेप और फिर सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगला दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्चुअली एक्टिंग इन द बॉडी एंड द इनर्शियल फोर्स एफ वन टूगेदर कीप आल बॉडी इन द स्टेट ऑफ फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम। इसके कहने का मतलब ये है कि माना कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स रखता है और बॉडी को किस में कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम की, यानी कि डायनेमिक कंडीशन को स्टेटिक की कंडीशन में ये चेंज करता है। द इक्वेशन ऑफ मोशन में बी रिटर्न एज एफ इजिकल टू माइनस एम ए इजिकल टू जीरो एंड अ फिक्सिशियस फोर्स माइनस एम ए इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स उसको हम बोलते हैं, इट टेंड टू गिव द सॉल्यूशन स्टेटिक प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एन अपीयरेंस अकिन टू दैट द डायनेमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना, यानी कि डायनेमिक प्रॉब्लम को स्टेटिक की प्रॉब्लम में हम चेंज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 सही और सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला दिया हुआ है, द लीनियर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ अ बार ऑफ द सिंगल टेंशन कंप्रेशन एंड टेंशन। ये तो हम जानते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, और स्ट्रेस ये इक्विलिब्रियम का साइन हटा के स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया हुआ है, अ पंच इज यूज टू मेक अ होल इन अ स्टील प्लेट विद अ थिकनेस ऑफ 8 mm। इफ द पंच डायमीटर इज 20 mm एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ होल ऑफ इज 110 यानी कि 110 kN, द एवरेज शेयर स्ट्रेस इन द प्लेट इज नियरली। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है किसके लिए, यदि हम पंचिंग कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई डी टी ई। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी टी टाउ, ये हो जाता है एरिया, है ना, ये एरिया हो जाएगा, ये उसकी थिकनेस हो जाएगी, पाई डी इंटू थिकनेस, ठीक है, ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। जबकि इसमें कितना दिया हुआ है, इतना फोर्स दिया हुआ है किलो न्यूटन में, पाई हमको पता है 22/7, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm, और थिकनेस दी हुई है 8 mm, तो जाएगा 20 × 8 × tau। तो यहाँ से आप टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज शेयर स्ट्रेस हमको निकालनी है, तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना, वो आएगी 218.9, ठीक है ना। तो लगभग इसको कितना लिख सकते हैं, 219 MPa, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रॉड ऑफ लेंथ, यानी कि एक रॉड दी हुई है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है 2 meters एंड डायमीटर इज 50 mm इज इलोंगेटेड बाय 5 mm व्हेन अ एक्सियल फोर्स ऑफ 400 kN इज अप्लाइड। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि आपको इसमें ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। यहाँ पर फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, 400 kN, 400 × 10³, और L की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 1 2 meters, है ना। तो इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2000 हो जाएगा। एरिया, एरिया आपको कितना दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 50, तो पाई बाय 4 × 50 का स्क्वायर
ई आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है 5 mm, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 5। इस 5 को इधर लेके जाऊंगा और ई को इधर लेके जाऊंगा, और फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 81.5 GPA, ठीक है ना। तो लगभग इसको हम लिख सकते हैं क्या, 82 GPa, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बीम ऑफ स्पान 3 मीटर एंड विड्थ 90 mm इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। इफ द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज 12 MPa, द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द बीम विल बी, ठीक है ना। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी हुई 12 kN, 0.6, 0.9, ये दिया हुआ है 0.6, ये दिया हुआ है 0.9, और ये भी दिया हुआ है 0.9, और ये दिया हुआ है 0.6, है ना। और ये 12, ये 5, और ये भी कितना दिया हुआ है 12। तो इसमें आपको मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी रहेगी, आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोवाइड की हुई है उसने साथ में। तो देखिए, सबसे पहले मैं फोर्स कैलकुलेट कर लूँगा, ये रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करूँगा, 12 × ये वाला डिस्टेंस, तो 12 × 9, 9, 18 और 6, 25, यानी कि 2.5, प्लस 5 × 9, 6, 15, यानी कि 1.5, प्लस 12, 12 भी दिया हुआ है ना, इंटू 0.6 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये वाला फोर्स आ जाएगा, और ये वाला फोर्स जितना आएगा वो इतना ही ये वाला फोर्स भी आएगा, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिक हैं, ठीक है ना। इसको हम आर ए बोलते हैं, रिएक्शन आर ए, तो आर ए इज इक्वल टू आर बी आ जाएगा, और क्या लिख सकते हैं हम, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 + 5 + 12, ठीक है। तो इस तरह आपको रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है, रिएक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब उसने दिया हुआ है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो यहाँ पर आएगी, जैसा कि आप जानते हैं कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि बीम सिमेट्रिक हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम यहीं पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हाँ तो ये आपके पास आ जाएगा 12, 12 × 24 = 25, यह जाएगा 14.5, ठीक है। और 12 × 24 = 5 = 29, 14.5, ये बन जाएगा 14.5, 14.5 ऊपर जाएगा, 12 नीचे जाएगा, फिर 5 नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पर एकदम मिड में ये साइन चेंज करेगा, तो यहीं पर वो बेंडिंग मूवमेंट आएगा आपका, ठीक है ना। इसका यदि शेयर फोर्स डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह बनेगा, ये इस तरह जाएगा, फिर 12 नीचे आएगा, फिर यहाँ पर ये नीचे आएगा, ठीक है, फिर 12 और नीचे आएगा, और यहाँ पर ये मैक्सिमम, ये शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, यानी कि एकदम मिड पर जो शेयर फोर्स है वो अपना साइन चेंज कर रहा है, और जहाँ पर साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट हम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 14 × 5, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 × 5 × 1.5 - 12 × 0.9, तो यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ जाएगा, और ये कितना आएगा 10.95 kN·m। ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ गया, आपको बेंडिंग स्ट्रेस दी हुई है, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन जेड, मूवमेंट आपके पास आ चुका है, सिग्मा आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जेड की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे कि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी को मैं कैसे लिख दूंगा, सिग्मा इधर है, बेंडिंग मूवमेंट इधर है, वाई को इधर ले आऊंगा और आई को इधर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन जेड, यानी कि आई अपॉन बाय, और जेड की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू एम, ये कितना हो जाएगा, डेप्थ बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, विड्थ इंटू डेप्थ का क्यूब बाय 12, तो ये हो जाएगा विड्थ इंटू डेप्थ का स्क्वायर इंटू 6, ये मुझे दिया हुआ है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, डेप्थ मुझे मिल जाएगी और विड्थ मुझे दी हुई है, ठीक है ना। तो इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा, डेप्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास 10.95, है ना, into 10³, बिट मुझे कितनी दी हुई है 0.09,
या फिर एमएम में ही निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 90 इंटू बेंडिंग स्ट्रेस मुझे कितनी दी हुई है 12 मेगा पास्कल, याद आएगा 12। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाकर मैं इसकी पावर 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, इसकी पावर मैं 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो फाइनली इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 246.64 mm, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा 246, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर के रही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। द वर्टिकल होलो एल्यूमिनियम ट्यूब 2.5 मीटर हाइट फिक्स एट द लोअर एंड मस्ट सपोर्टेड अ लेटरल लोड ऑफ 12 kN एट इट्स अपर एंड। इफ द वॉल थिकनेस इज 1/8 ऑफ द आउटर डायमीटर एंड द अलाउड बेंडिंग स्ट्रेस इज 50 MPa, द इनर डायमीटर इज नियरली। तो इसमें आपको आप क्या बताना है, इनर डायमीटर दिया बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आपका इनर डायमीटर बताते हैं, यानी कि ये ऐसे बोल रहा है ये यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर एक लेटरल लोड लगा हुआ है कितना 12 kN का, ठीक है ना, और इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस इज इक्वल टू 1/ आउटर डायमीटर। ठीक है, चलिए स्ट्रेस आपको दी हुई है 50 MPa, तो देखिए डी आउटर प्लस डी इनर, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ डी आउटर इज इक्वल टू डी इनर प्लस थिकनेस इसी के बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 × थिकनेस। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, और डी इनर को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी इनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आउटर माइनस 2t, तो यहाँ से डी आउटर माइनस 2 × 1/8 डी आउटर हो जाएगा। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 4 4 में से जाएगा 3 3 डी आउटर अपॉन 4, तो ये मुझे मिल गई है डी इनर की वैल्यू। इसके अलावा उसने मुझे ये दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस, और जैसा कि मैंने आपको बताया था बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना होता है, एम बाय बाय आई। अब एम कैसे निकाल लूंगा कि यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर 12 kN का फोर्स लग रहा है और ये इसकी हाइट है 2.5, तो यहाँ से मुझे मूवमेंट मिल जाएगा, मूवमेंट कितना आ जाएगा 12 × 2.5। ठीक है, इस तरह मुझे मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बोला है कि इसका इनर डायमीटर कितना होगा वो मुझे बताना है। चलिए अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन को हटा दिया। चलिए तो सिग्मा इज इक्वल टू एम, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा, आउटर डायमीटर बाय 2, और आई कितना हो जाएगा, पाई बाय 64 × d_4 − d_4, ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, और इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू डी आउटर को यदि मैं भाग ले लेता हूँ तो ये 2 से कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 m d_, यदि मैं डी आउटर को भाग लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 − d_ upon d_4। ठीक है, इससे ये डी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और ये पाई, तो यहाँ से मैं डी आउटर की वैल्यू निकालूंगा, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि डी इनर अपॉन डी आउटर का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी इनर अपॉन डी आउटर इज इक्वल टू 3/4, ये आ जाएगा। चलिए डी आउटर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 32 m की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वहाँ से निकाल लूँगा मैं, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2 × 12.5, यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसको मैं किस में मिलेगी, ये मिलेगी न्यूटन मीटर में, इसको मैं न्यूटन × mm में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि यदि सारी चीज़ें mm में रहती हैं तो डायरेक्ट हमको मेगा पास्कल में वैल्यू मिल जाती है, और मेगा पास्कल को हमको उसमें चेंज नहीं करना रहता है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 10³ × 2500 अपॉन, ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा
तो इसकी पावर ऑफ 1/3 हो जाएगी, इधर जाकर इधर पावर 1/3 हो जाएगी, और यहाँ पर बचेगा पाई इंटू दी आउटर, तो चला गया, आ जाएगा मेरे पास क्या, सिग्मा स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 50 मेगा पास्कल, ठीक है, तो हो जाएगा 50 इंटू, इसका कितना हो जाएगा 1 - 3/4 की पावर 4, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डी ऑर्डर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 207.58 mm, ठीक है। डी ऑर्डर की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा या फिर यहाँ पर रखूँगा तो डी आई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, चलिए यहाँ पर ना रख के यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो डी आई की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 155.68 mm, ठीक है। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वुडन बीम ए बी, एक वुडन बीम आपको दिया हुआ है ए बी, उस पर दो कंसंट्रेटेड लोड लग रहे हैं पी, है ना, और दोनों ही जो रिएक्शन है उनसे 0.5 mm की दूरी पर है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ठीक है, 0.5 mm की दूरी पर है, और उसकी विड्थ और हाइट आपको दी हुई है 100 and 150 mm, द डिस्टेंस ऑफ द ईच एंड ऑफ द बीम इज नियरेस्ट, वो मैंने बताया दिया, द अलाउेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इज 11 MPa एंड द बीम वेट इज नेग्लिजिबल, द मैक्सिमम परमिसिबल लोड विल बी नियरली, यानी कि आपको बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल लोड कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको कुछ इस तरह बनाएंगे हम, ये बोल रहा है ये 0.5 पे है और ये भी 0.5 पे है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी पी, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी पी, अब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बीच का कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस रहा होगा वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, और एकदम मिड से सेम दूरी पर ये लग रहा होगा और मिड से सेम दूरी पर ये लग रहा होगा, यानी कि दोनों की दूरी सेम आपको माननी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब आपने इसको ये भी पी दिया हुआ था, ये भी पी दिया हुआ था, तो पी पी ये भी आ गए, ठीक है। और उसने हमको क्या दिया हुआ है, उसने हमको वो दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू दी हुई है और आपसे लोड पूछा है, तो वही फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, ठीक है। अब देखिए इसका यदि मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ऐसा ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और यहां पर इसमें यानी कि बीच वाले में इतने पार्ट में शियर फोर्स आपका जीरो रहेगा, फिर नीचे आएगा और यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह बनेगा। अब देखिए इसका मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाता हूँ, तो देखिए बेंडिंग मूवमेंट में यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू जीरो रहेगी, यहाँ पर कितनी रहेगी पी इंटू 0.5, ठीक है, इस तरह ये डायग्राम बनेगा, और ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा बेंडिंग मूवमेंट, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो हो रहा है तो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम रहेगा इसमें, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0.5 × p, ये बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा बाय अपॉन mi और er, ये फॉर्मूला आप यूज याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। er को अभी मिटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मेरे पास सिग्मा दिया हुआ है, m की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी है, 0.5 × p × बाय, बाय की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 150, ठीक है ना, और विड्थ कितनी दी हुई है मुझे, विड्थ दी हुई है 100 mm, ठीक है। चलिए 0.5 × p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाइट कितनी दी हुई है उसकी 150 × इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, विड्थ इंटू डेप्थ का क्यूब इंटू 12, और ये हाइट का आधा होता है, ठीक है, और विड्थ की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, विड्थ 100 × डेप्थ दी हुई है 150 का क्यूब इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से और सिग्मा भी मुझे दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे,
100 मेगा पास्कल, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे मीटर में है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 6। और ये पी की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो फाइनली जो पी की वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 8.25 किलो न्यूटन। तो इस तरह आपको इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थिन एंड थिक सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर इज करेक्ट। वैसे मैं ये पहले भी करवा चुका हूँ, डायमीटर टू जो थिकनेस का रेशियो होता है ना वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है इफ थिकनेस सिलेंडर टेंजेंशियल एंड इफ थिक सिलेंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस इज हाईएस्ट एट मैग्नीट्यूड एट द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टूवर्ड आउटर सरफेस, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर 21। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए, ठीक है। और इसके अलावा मैं गेट के भी अभी लेक्चर डालने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, अभी गेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।